हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का सब कुछ डिटेल में नोटिफिकेशन आ ही गया। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्लास से है कि आप अपनी क्लास कब स्टार्ट करोगे पेपर वन पेपर टू का। तो देखिए, सॉरी फॉर दैट, कुछ चीज़ें थी बीच में जिसकी वजह से क्लासेस नहीं आ पा रही थी। कल से याद रखिएगा, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हम कल से ही, प्लीज़ आप टाइम जरूर नोट करें। अब मैं एक दिन में आपको 2 से 3 दिन क्लासेस दूंगी। जैसा कि पहले हमारा 12 बजे हिस्ट्री, 2 बजे आपका ज्योग्राफी, एंड मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन में 5 बजे मैं आपका पॉलिटी भी ले लूं, ठीक है, एसएसटी की। ठीक है, आप ये टाइम जरूर नोट कर लें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक दिन में मैं 3 वीडियो दूं। अगर मान लीजिए कभी कभी पॉलिटी वाला एक क्लास नहीं हो पाता है तो 2 क्लासेस तो होगी, एक आपका 12 बजे हुआ हिस्ट्री का और आपका 2 बजे ज्योग्राफी का, और पॉलिटी थोड़ा सा बचा है। बेसिकली वैसे हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लास 6 के एनसीईआरटी खत्म कर दिए, 7 की भी हो गई है, 8 क्लास की बाकी है और ये पूरा बाकी है, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। और साथ में जो मैंने बोला था ना वन लाइनर नोट्स, वो भी मैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि टेस्ट बुक पे जो है अभी सेल चल रहा है 6 से 10 नवंबर के बीच में, और आपका आने वाले समय में सीटेट का एग्जाम है, साथ में बीपीएससी का भी एग्जाम है, तो सभी प्रीवियसर पेपर, इसके अलावा भी हर एक एग्जाम का प्रीवियसर पेपर आपको यहां पर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पास प्रो पे जो है ऑफर चल रहा है और आपको जीकेसी कोड यूज करना होगा, जीकेसी कोड यूज करेंगे तो आपको ये सस्ते में पड़ेगा। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, क्योंकि पास प्रो पे क्या होता है ना कि आपको प्रीवियस पेपर री अटेम्प्ट बार, मतलब जितनी बार चाहे ना आप उतनी बार कर सकते हो, प्रीवियस पेपर डाउनलोड कर सकते हो, मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, आप यहां पर एनालाइज कर सकते हैं, अपनी रैंक देख सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स के कंपेयर में आपका कितना रैंक है। तो याद रखिएगा 6 से 10 नवंबर के बीच में ही है ऑफर है, बहुत अच्छा है क्योंकि पास प्रो पे आया है और पास प्रो में सारी फैसिलिटी मिलती है, तो चेकआउट जरूर करें। प्रिपेयर कर रही हूँ और अब बीच में दिवाली है, चाहे छठ है, कुछ भी आए, क्लास डेली होगा। और वैसे ही आप जानते हैं कि आपका भी नवंबर है, दिसंबर है, 2 महीना है, 2 महीना पूरा आपका ये पूरा थ्योरी वाइज खत्म हो जाएगा, प्रीवियस पेपर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद से बीच बीच में मैं आपको टैग वर्ड्स, जैसे कि सीटेट को क्लियर करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, जैसे कि पैसेज को कैसे आप बहुत कम समय में सही आंसर फाइंड कर सकते हो। पिछली बार भी मैंने बताया था, बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई थी, तो इस बार भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्लास का टाइम बता दिया है, और बस एसएसटी नहीं होगा, याद रखिएगा बस एसएसटी नहीं होगा, हम पेपर वन एंड पेपर टू दोनों का करेंगे, जैसे कि सीडीपी हो गया, दोनों पेपर का एक साथ ही, क्योंकि कंटेंट सेम होता है, लेवल बस हमारा थोड़ा हाई रहेगा। हिंदी इंग्लिश का भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ईवीएस भी बताऊंगी, तो दोनों सब कुछ पेपर वन पेपर टू का आपका फ्री में पूरा मटेरियल मिलेगा। जो जो क्लासेस होती जाएंगी कल से, पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मान लो आप नोट्स नहीं बना सकते हो या फिर आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ सकते हो, ओके। और जो वन लाइनर नोट्स होंगे वो भी आपको मेरे टेलीग्राम पे ही मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को प्लीज आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी चीजें इंपॉर्टेंट आती है ना मैं टेलीग्राम पे सेंड कर देती हूँ। और अभी जैसे क्लासेस के भी सारे नोट्स आपको मिलेगा, फाइल सेक्शन में एक बार आप जाके ना सबसे लास्ट में जाना, वहां पर मैंने ईवीएस और एसएसटी के कुछ नोट्स पिछले साल ही भेजा था, तो आप उसे भी देख सकते हो, प्रीवियस पेपर भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्लास का बताया है, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, तो मैंने इसलिए पहले ही आपको सॉरी बोल दिया है कि कुछ चीजों की वजह से नहीं आ पा रहा था क्लास, बट अब डेली आएगा कल से, टेंशन मत लो, बस जो जो पढ़ाती जाऊंगी पढ़ते जाना, पेपर 100% क्लियर होगा, क्योंकि पेपर टू का मुझे पता है कि एसएसटी में कहां से पूछता है, बिकॉज मैंने भी एसएसटी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में खुद से क्लियर किया, तो इतना तो एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आप खुद से तैयारी करते हो पेपर पास हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि यस, जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी वो काम आई, और वो स्ट्रेटेजी अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ओके। चलिए, तो ये हो गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि सीटेट दिसंबर तो चला गया है जनवरी में, ठीक है, जनवरी में चला गया है, तो प्रीवियस पेपर पहले करें कि कॉन्टेंट, मैं आपसे बोलूंगी थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ एंड पीवाईक्यू भी करते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि आप पीआरक्यू कर करके ना आपका मन ऐसा लगेगा कि अरे एकदम बर्डन सा लग रहा है, नहीं हो पाता है, और अगर आप डेली करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो पढ़ो और साथ में प्रीवियस पेपर भी करते रहो। चलो, एग्जाम 21 जनवरी है, समय है आपके पास 2 महीने का है, पेपर वन एंड पेपर टू की तैयारी कैसे करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए, या फिर जो लोग बार बार फेल हो रहे हैं 1 या 2 नंबर से, चाहे वो पेपर वन है पेपर टू है, क्या किया जाए, यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, आप किसी भी कोचिंग में ज्वाइन होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में, वो आपको नोट्स दे देंगे, आपको बोल देंगे कि ये पढ़ लो, बट आपको कोई ये नहीं बताएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आपका पेपर 100% पास हो। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले चाहे आपका पेपर वन है चाहे आपका पेपर टू है,
आप अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाओ, और नहीं तो एक कागज ऐसे चिपका दो और वहां पर अपना 30 डेज का पूरा लिख लो कि अच्छा ये टॉपिक्स आपके नहीं हुए हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपको करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, किसको पहले खत्म करना है, और वहां पर आप चेकलिस्ट करिए। ठीक है, चलो ठीक है, डे वन आपका हो चुका है, डे टू हो गया, इस तरीके से करेंगे सिस्टमैटिक वे से, ताकि आपका दोनों अगर जिसने भरा है तो वो क्लियर हो जाए। एक भी आपने फॉर्म भरा है उसके लिए भी आपको चेकलिस्ट जरूर करना है। दूसरी चीज की सबसे पहले याद रखिएगा कि 1 PYQ इसलिए करना जरूरी है, लेटेस्ट वाला अभी जो अगस्त में पेपर हुआ, सो दैट आप समझ पाए अच्छा सीटेट इस लेवल का पूछता है। पता है क्या होता है, जब आप पढ़ाई करते हो ना तो आप फुल्ली डिपेंड हो जाते हो किसी भी कोचिंग वाले पे, किसी भी टीचर पे, आपको लगता है कि ये जो पढ़ा रहे ना ये जरूर आएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं जो मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर हैं, तो आपको लगेगा कि ये जो पढ़ा रहे ना यहां से पक्का आएगा, और आप देखो 40 लाख 20 लाख ऐसे व्यूज रहते हैं, सारे बच्चे वहां से देखते हैं, बट पास होने की संख्या कितनी है, 1 लाख है 2 लाख है, तो 40 लाख 10 लाख 20 लाख वो तो बार बार जो स्टूडेंट्स देखते हैं तो उतना व्यूज आ जाता है। तो आप सोचो कि 10 लाख 15 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, वो सब वहां से पढ़ रहे हो, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट उनको मिल रहा है, इतने अच्छे से वो टीचर पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी संख्या क्यों इतनी कम है, क्यों केवल 1 लाख 2 लाख ही पास हो रहे हैं। इसका रीजन आपको पता है क्या है, कि कोई टीचर आपका पेपर पास नहीं करा सकता है, चाहे वो बहुत अच्छा टीचर हो चाहे वो बहुत बुरा टीचर हो। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है स्टूडेंट का। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो खुद की मेहनत से ही क्लियर कर लेते हैं, जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने सेल्फ स्टडी की है, 1-2-3 घंटा पढ़ती थी आराम से हो गया, क्योंकि मैंने समझ लिया था प्रीवियस पेपर को ध्यान में रखे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ना, ये आप खुद अपने आप से कर पाएंगे, कोई टीचर आपको नहीं बताएगा कि किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले अगर आप फेल हो रहे हैं या कुछ चीज़ों की वजह से आपका नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका पहला सीटेट है, आप पास करना चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो 2-3 चीज़ें मेरी हमेशा से ध्यान रखो। सबसे पहले आप अपना शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, PDF पे डिपेंड मत होना। मैंने खुद अपने 2-3 पेज में शॉर्ट नोट्स बना के खत्म कर दिया, एग्जाम से 2-3 दिन पहले मैं उसको रिवाइज करती थी, मुझे बहुत आसानी होती थी। तो जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि पियाजे आप पढ़ रहे हैं तो पियाजे की पूरी मत लिखिए कि कहाँ पैदा हुए थे क्या किए थे, नहीं, आप उनके 4 पॉइंट्स जो है ना सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशन कॉन्क्रीट ये सारी चीज़ें फॉर्मल, आप उसको पॉइंट वाइज लिख लो कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, आएगा 100% इस तरीके से आता ही है, क्योंकि पियाजे वाइगोस की कोलवर्क के अलावा आपने देखा ही होगा कि कितना सीटेट पूछता है ये बाकी और थ्योरी, वैसे वाइगोस्की का। तो ये प्रॉपर आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, दूसरी चीज कि जब आप प्रीवियस पेपर कर रहे हैं तो अगर मान लो आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपके मन में आएगा कि अरे अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मेरा तो गलत होगा ही, चलो इसको नोट नहीं करते हैं या फिर इसको ध्यान से नहीं देखेंगे, ये गलती मत करना। अगर आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आपने पढ़ाई कर ली है खत्म नहीं की है, कोई भी क्वेश्चन गलत होता है उसको कॉपी में जरूर नोट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस पेपर होता है ना ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है, धीरे धीरे आप समझ पाएंगे कि अच्छा इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो प्लीज़ PYQ में जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसको नोट करें। सेकेंड चीज़, मान लो आपने कंटेंट आधा पढ़ लिया है, अब आधा पढ़ लिए तो साथ साथ में PYQ भी करते रहो, क्योंकि वहां से एक तो आपके नए नए क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आप उसको टैकल कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट, जी हाँ, सीटेट को क्लियर करने में एक बड़ा इशू आता है टाइम मैनेज का, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, गोले भी भरने हैं, ध्यान भी रखना है कि कहीं गलती से भी कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ए की जगह पे बी का गोला भर जाए, ऊपर से टाइम का प्रेशर, ये मैनेज होता है PYQ से। मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ, मेरा जब सीटेट का एग्जाम हुआ था मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों दिया, ताकि मैं खुद देखना चाहती थी, अपना असेसमेंट करना चाहती थी कि मैं दोनों में टाइम कैसे मैनेज कर पा रही हूँ, सो दैट मैं आपको बता पाऊँ इन फ्यूचर। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरे अगल बगल में बहुत सारे लोग बैठे थे, उनका टाइम मैनेज ही नहीं हो पाया, सब बोल रहे थे कि टाइम बहुत ज़्यादा जो है कंज्यूम हो गया, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। बट मेरे साथ क्या हुआ कि दोनों समय, चाहे वो ऑफलाइन का पेपर हो चाहे ऑनलाइन का, 30 मिनट पहले मैं पेपर करके खत्म बैठ गई थी। मैंने पहले ही सोच रखा था कि मुझे हर हाल में पेपर को 30 मिनट पहले करना है, ताकि 30 मिनट का जो समय बचा रहे वो मैं वो देख पाऊँ जो मैंने डाउट में क्वेश्चंस रखे हुए हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा लास्ट टाइम पे कोई डाउट वाला क्वेश्चन देखता नहीं है, रैंडम कोई भी गोला भर के चले आते हैं। तो ये किस तरीके से हुआ आपको मैं बता रही हूँ, मैंने प्रीवियस पेपर को हर दिन किया है, और वो भी मल्टीपल टाइम्स, मान लो जो 10 साल का पेपर है मैंने उसको कम से कम 3 टाइम्स किया है। और अगर आप प्रीवियस पेपर को बार बार करते हैं ना, बार बार एक टाइम मैनेजमेंट में करते हो, जैसे कि 2.5 घंटा, मैंने सोचा था 2.5 घंटे का समय मिलेगा मुझे, 2 घंटे में प्रीवियस पेपर हर हाल में घर पे करना है। मैंने टाइम बना लिया था कि सुबह 10 बजे से मैं जो है पेपर 1 दूंगी, शाम को जो होता है पेपर
वो उसी टाइम पे दूंगी, ताकि एक मेरा माइंडसेट वैसा बन जाए कि एग्जामिनेशन हॉल में भी मैं पहुंचू ना तो मुझे ऐसा ना लगे कि कुछ नया है, मुझे ऐसा फील हो कि अरे ये तो मेरे साथ डेली होता ही है, तो वो दिन भी मुझे नॉर्मल सा लगे। तो इतनी बार करने का ही ये रिजल्ट निकला कि टाइम मैनेज मैं कर पाई। इसी वजह से मेरे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे और जितना मैंने पढ़ा था जितने कम समय में उसके अकॉर्डिंग नंबर आ गए, ठीक है। तो ये एक रीजन होता है टाइम मैनेज करने का। दूसरी चीज की आपने कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया, आप हर दिन प्रीवियस पेपर कर रहे हो, करने के बाद से एनालाइज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ना गलत नंबर आ गए 70, ठीक है बहुत आज का नंबर कम आया, एनालाइज नहीं करते हैं। आपको एनालाइज करना है, कॉपी लेके बैठो, नोट करते जाओ, अच्छा आज मेरा पीआजे का गलत हुआ है, आज एक नया टॉपिक सामने आया है, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। इससे आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है किसी भी टीचर से या मेरे से, आप खुद समझ जाओगे कि अच्छा सीटेट ने इस ये क्वेश्चन ना हर साल सीटेट ने बहुत पूछा है, तो वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कुछ लोग आकर बोलेंगे कि अरे ये ऐसा कुछ पेपर नहीं है कि प्रीवियस पेपर करके ही हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही, मैंने क्या बोला है, कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ आपको प्रीवियस पेपर भी करना है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। प्रीवियस पेपर इसलिए नहीं होता है कि सीटेट बार बार रिपीट करता है या फिर छाप देगा वही, जी नहीं, प्रीवियस पेपर इसलिए होता है कि आप अपना खुद का दिमाग लगाएं किसी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। और अगर आपने ये हैबिट अभी से नहीं डाली तो एग्जामिनेशन वाले दिन तो वैसे भी नया नया होगा तो पेपर तो नहीं निकलेगा ना। ये इसलिए होता है PYQ कि आप खुद से सोचें कि ये क्वेश्चन आया है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। गलती हो जाएगी आपसे, आप खुद रियलाइज करेंगे कि अरे इसका आंसर तो यही होना चाहिए, वो तो जल्दीबाजी में मेरे से हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें ना आपका अभी से खत्म हो जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेगी ही नहीं कि वहां पे आप कुछ गलती करें, ठीक है। बाकी सिंपल सा एक चीज बोलूंगी, कहीं से भी पढ़ रहे हो या फिर कल से जो मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगी, आपको बस कॉन्सेप्ट पढ़ते जाना है, प्रीवियस पेपर करते जाना है, अपनी गलतियों पे काम करना है, साथ में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बस यही दो तीन चीजें करो, बाकी टैग वर्ड और कैसे पैसेज को करना है, कैसे एलिमिनेट करना है, ये धीरे धीरे आपको वीडियो मिल जाएगा। एंड प्रीवियस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग से बोला है ये छपेगा पेपर इसलिए नहीं, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है, आपको आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाती है कि अच्छा इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से करता ना शायद तो मेरा टाइम मैनेज हो जाता, ये आप घर से सीखते हैं। तो ये मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, अगर आपने यही सब चीजें फॉलो की आपका पेपर निकल जाएगा। जो लोग सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, NCERT के बुक से कर रहे हैं, उनका भी पास होगा। जो लोग टीचर पे डिपेंड हो गए हैं और ये चीजें फॉलो नहीं करेंगे तो फिर से वही चीज आएगी कि एक दो नंबर से रह गया। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, कल से क्लासेस स्टार्ट। बाकी कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।